नमस्कार। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन ये देखा था, इसकी तीनों मेथड्स देखी थी, फिर मीडियन देखा। और मीडियन के अंदर जब ग्रुप्ड डाटा दिया हो तो किस तरह से मीडियन निकालते हैं ये भी हमने देखा था, और मीडियन का फार्मूला भी देखा था। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था, लेकिन क्वेश्चंस डायरेक्ट देने की जगह थोड़े से घुमा के भी दिए जा सकते हैं। जैसा कि CBSE एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार हमने देखा था। लेकिन ये क्वेश्चन, इसमें अगर बिलो 20 अगर इस तरह का डाटा दिया हुआ हो तो ये डायरेक्ट क्लासेस नहीं दी हुई हैं, लेकिन इसमें हमको क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्ट नहीं दी हुई है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कैसे होगी, क्यों है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे बिलो 10, मतलब पहली क्लास 0 से 10 की हो सकती है, और 10 से कम वाले जो मार्क्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, तो 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? 6 बच्चों के। और बिलो 20 ये 15 बच्चों के मार्क्स हैं। इसका मतलब बिलो 20 मतलब ये 0 to 10, और ये अगर 10 to 20 हो तो ये 15, ये किसके मार्क्स हैं? ये 10 से 20 वाले और 0 से 10 वाले, मतलब इसमें ये 6 स्टूडेंट्स भी इसी में इंक्लूडेड हैं 15 के अंदर। इसका मतलब ये एडिशन है दोस्त का, कि इसके बच्चों का और इसके अंदर, इस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनका दोनों का टोटल ये 15 है। जब बिलो 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 0 to 10, 10 to 20 और ये 20 to 30 है। और बिलो 30 ये 29 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब बिलो 30 मतलब 0 से लेके 30 मार्क्स के बीच में ये 29 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अंदर ये 6 स्टूडेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे हमको क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी और हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ में हमको फ्रीक्वेंसी भी तो लगती है मीडियन के फॉर्मूले में, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F, मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करके इसकी क्लासेस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वहीं से फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास, क्लास बिलो 10 मतलब 0 to 10, बिलो 20 तो ये दूसरी क्लास 10 to 20 बनाएंगे हम, 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, फिर ये फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हमको नहीं दी है निकालनी है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है 6, 15, 29, 41, 60, 41, 60 and 70, ये ठीक है। अब देखिए बिलो 10
बिलो 10 मतलब 0 से लेके 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, वो 6 स्टूडेंट्स के हैं। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 0 टू 10 हो जाएगी। फिर बिलो 20 वो 15 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 15 स्टूडेंट्स में से, क्योंकि बिलो 20 है मतलब ये भी है और ये भी है, दोनों का टोटल है। तो अगर इन 15 में से ये 6 को अगर हम हटा दें तो जो बच्चे बचेंगे वो 10 से 20 के बीच में मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो 15 में से 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 9 बच्चे ये 10 से 20 के बीच में मार्क्स लेके आए हैं। फिर इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो बच्चे हमारे पास में आ जाएंगे जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में हैं। तो 29 में से 15 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 14। ऐसे ही 41 में से अगर 29 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2, और 3 में से 2 गया तो 1। 12 बच्चे होंगे जिनको 30 से 40 के बीच में मार्क्स मिल रहे हैं। फिर इस 60 में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 19 स्टूडेंट्स आर गेटिंग मार्क्स बिटवीन 40 एंड 50। और 70 में से 60 को वो किया तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्लास दिस इज क्लास कोरस्पोंडिंग टू क्लास कोरस्पोंडिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n upon 2। अब देखिए टोटल कितना आ रहा है, 30। 70 upon 2 means this is 35। टोटल इज 70 upon 2, दिस इज 35। तो 35 देखिए 29 बच्चे तक इनके मार्क्स 30 के नीचे हैं, लेकिन 30वां बच्चा 31वां 32वां 33वां 34वां ऐसे अप टू 41 स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स किसके 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं। मतलब अपनी मीडियन क्लास क्या हो गई, 30 to 40, दिस विल बिकम द मीडियन क्लास। तो क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35, क्योंकि देखिए 29 के बाद में 30 31 32 33 34 35 35 35, जो 35वां बच्चा है उसके मार्क्स कहाँ पे आ रहे, ये बल्कि 41वें बच्चे तक के मार्क्स यहाँ पे हैं। इसका मतलब मीडियन क्लास हो गई अपनी दिस इज 32 40, ये मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है L1 plus n upon 2 minus क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF upon F into H। अब देखिए एक एक करके हम वैल्यू रखते हैं। L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 30। सो दिस 30 इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हो गई 30। ठीक है, प्लस n अपॉन 2 ये हमने निकाल ही लिया है, ये कितना है 35। तो 35 और माइनस क्यूमुलेट ये CF मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास, इसके पहले वाली क्लास की
इसके पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो वो है 29, सो दिस इज 29 अपॉन ये एफ क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है 12, सो दिस इज 12 इंटू एच, एच मतलब क्लास इंटरवल, यहां पे क्लास इंटरवल कितना 10-10 का दिया हुआ है, तो दिस इज 10 मींस दिस इज इक्वल टू 30 एंड प्लस 35 में से 29 गए, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 12 इंटू 10, इससे ये कैंसिल हुआ, दिस विल कैंसिल 2 टाइम्स, इस 2 से ये कैंसिल हुआ 5, सो मीडियन विल बी 35 मार्क्स, मीडियन मार्क्स दीज आर 35, ओके। तो हमने अभी देखा था मीन और फिर मीडियन, नाउ वी कम टू मोड। मोड आपने जो 9th क्लास में देखा था, मोड मींस दिस इज द आइटम विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो वो मोड कहलाएगा। लेकिन आइटम की जगह अगर ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ हो तब तो हमारे पास में क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ वाली मॉडल क्लास होगी, और अगर मॉडल क्लास है तो जैसे मीडियन के अंदर हमने मीडियन क्लास से मीडियन निकाला था, वैसे ही मॉडल क्लास से मोड निकालेंगे। सो हियर मोड मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो यह हो गया मॉडल क्लास। तो जैसे हमने मीडियन क्लास देखा था उसी तरह से इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको मॉडल क्लास बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास, ठीक है। अब फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला जैसे हमने मीडियन के लिए भी फार्मूला देखा था ऐसे ही मोड के लिए भी फार्मूला है, और ये फार्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब यहाँ पे ये समझे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे L1 हमने लिया था मीडियन में, तो दैट वाज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यहाँ पे ये L दिस विल बी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जैसे उसमें था वैसे इसमें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे F1 देखिए, यहाँ से H, H तो जैसा पहले था उसी तरह से H मतलब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, या साइज या क्लास इंटरवल की कितने कितने की क्लासेस है, क्लास इंटरवल कितना है, ये H की वैल्यू। F1 अब देखिए F1 उसके पहले F0 और उसके बाद में F2, तो F1 क्या है, F1 is the frequency of the model class, तो model class के सामने जो भी frequency लिखी हुई हो वो F1 हो जाएगी, उसके पहले वाली F0 हो जाएगी और उसके बाद वाली F2 हो जाएगी, तो F0 this is the frequency of the class preceding the model class, और F2 frequency of the class succeeding the model class, मतलब उसके just बाद वाला जो है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हम मोड निकाल सकते हैं, और अगर हमने मीन और मीडियन निकाल लिया तो देर इज वन इम्पेरिकल फार्मूला विच गिव्स रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। सो इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन। तो अगर हमने मीडियन और
मीन निकाल लिया तो मोड तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं यहाँ से. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2013. 2013 के अंदर ये पूछा हुआ था. अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ये क्लासेस दी हुई हैं. और इसमें अगर हम देखें ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 12. जब ये 12 दी हुई है मतलब इसके सामने वाली क्लास जो है वो मॉडल क्लास हो जाएगी. तो मॉडल क्लास इज दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट मॉडल क्लास. Class is equal to class corresponding to highest frequency 12. So this will be ये हो जाएगी 60 to 80. 60 to 80, this is model class. अब model class अगर अपने पास में आ गए तो mode यहाँ से निकालेंगे. Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2. Into H. ठीक है. अब देखिए यहां पर L means lower limit of median class. Lower limit है 60. तो यह हो गया 60 plus F1 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. तो यह हो गया 12. ये अगर F1 है तो ये हो जाएगा F2 और इसके पहले वाला हो जाएगा F0. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन है ना. तो 12 माइनस F0 इसके पहले वाला तो 10 हो गया. देन 2 इंटू F1 मीन्स 2 इंटू 12 माइनस F0 तो ये हो गया 10 एंड माइनस F2 तो ये इसका अगला वाला ये हो गया 6 और इनटू क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है 20-20 का तो 20 राइट. सो दिस इज इक्वल टू 60 प्लस इसमें से गया 2 और अपॉन ये 24 और माइनस 16 और इनटू 20 means this is 60 plus 2 upon इसमें से 24 में से गया 8 और into 20 right. इससे ये कैंसिल हुआ 4 times और 4 से ये कैंसिल हुआ 5 times means this is equal to 60 plus 5 means this is 65. तो देखिए ये आंसर 65 आ गया. तो ये तरीका है मोड निकालने का. ठीक है. देन नेक्स्ट इज गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ द प्लेयर इन ए स्कूल. हाइट इन सेंटीमीटर दीज आर गिवन and a number of students are also given. Find the model height and interpret it. तो इसके अंदर model height निकालना है. तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा frequency 142. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 166 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर के बीच वाले हैं.
तो मॉडल क्लास दिस इज इज इक्वल टू दिस इज 166 टू 168. ठीक है. अब फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये क्लास है, ये हो जाएगा F1, ये होगा F2 और ये होगा F0. इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो L लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास 166 देन प्लस F1 इज 142 माइनस F0 इसकी पहले वाली 118 अपॉन 2F1 मींस 2 इंटू 142 माइनस F0 मीन्स 118 माइनस F2 मीन्स 127 एंड इंटू क्लास इंटरवल. यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 2 का. Okay, so this will be equal to, this is equal to 166 plus 146 में से इसको अगर 142 में से 118 अगर सब्ट्रैक्ट करें 12 में से गया तो 4 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया एंड अपॉन दिस इज 284 माइनस इन दोनों को सम कर लें तो 245 एंड इनटू क्लास इंटरवल, ये दो दो का क्लास इंटरवल है इंटू टू, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 166 प्लस 24 अपॉन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो दिस विल बी 9, 7 माइनस दिस 3, 39 एंड इनटू 2. सो दिस विल बी 166 प्लस दिस इज 48 अपॉन 39 मीन्स दिस विल बी 166 प्लस 1 point something, it will come. This will be 9. 9 means this will be somewhat 2 or 3. Means this is 167.3 something approximately. Itne centimeter. This will be the model value, right?